हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बताने आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकली है वो वल्लभ भाई पटेल टेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वैकेंसी किन किन पोस्टों के लिए निकाली गई है और इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस मांगी गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो दिल्ली VPCI रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन इसके रिलीज हो गए हैं और ऑफलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपकी 70 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दिल्ली VPCI रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में हम तो डिटेल में जान लेते हैं, पर फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिपार्टमेंट है वो वल्लभ भाई पटेल टेस्ट इंस्टीट्यूट VPCI है। नेम ऑफ एग्जाम वेरियस नॉन टेक्निकल पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 70 पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है। अप्लाई लास्ट डेट आपकी 15/6/2023 है और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी @vpci.org.in है। जिसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फॉर्म की स्टार्टिंग जो अप्लाई करने की डेट है वो आपकी 17/5/2023 है और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15/6/2023 है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व OBC EWS की आपकी 500 रुपये फीस है। SC ST PWD फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। और पेमेंट मोड आपका ड्राम ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्ट VPCI पेमेंट एट दिल्ली में आप करवाएंगे। एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो पोस्ट है उसकी एज लिमिट है उसको देख लेते हैं। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आपकी 35 ईयर बताई गई है। सेक्शन ऑफिसर की आपकी 35 ईयर बताई गई है। सीनियर असिस्टेंट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। फार्मिस्ट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। असिस्टेंट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। स्टोनोग्राफर की आपकी 27 ईयर बताई गई है। जॉइंट असिस्टेंट की आपकी 27 ईयर बताई गई है। ड्राइवर की आपकी 35 ईयर बताई गई है। JE इलेक्ट्रिकल की आपकी 30 ईयर बताई गई है। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। लैब असिस्टेंट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। लैब अटेंडेंट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी 35 ईयर बताई गई है। और बेरी अटेंडेंट की आपकी 30 ईयर बताई गई है। दिल्ली VPN वैकेंसी 2023 डिटेल में और आपकी पे स्केल क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, पोस्ट नेम क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एन ऑफिसर की आपकी एक पोस्ट है, लेवल 7 आपका रहने वाला है पे स्केल का। सीनियर असिस्टेंट की 6 पोस्ट है, लेवल 6 है। फार्मिस्ट की आपकी एक पोस्ट है, लेवल 5 है। असिस्टेंट की 6 पोस्ट है, लेवल 4 है। स्टेनोग्राफर की आपकी 10 पोस्ट है, लेवल 4 है। जूनियर असिस्टेंट की 13 पोस्ट है, लेवल 2 है। ऑर्डिनरी ग्रेड की आपकी 2 पोस्ट है, लेवल 2 है। अब देखते हैं टेक्नीशियन में तो जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में आपकी एक पोस्ट है, लेवल 6 है। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में आपकी 4 पोस्ट है, लेवल 6 है। टेक्नीशियन असिस्टेंट की आपकी 8 पोस्ट है, लेवल 5 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी एक पोस्ट है, लेवल 4 है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी 8 पोस्ट है, लेवल 1 है। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी 5 पोस्ट है, लेवल 7 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी एक पोस्ट है, लेवल 1 है। तो इस तरह टोटल जो पोस्ट है आपकी वो 70 है। दिल्ली VPCI रिक्रूटमेंट 2023 एलिजिबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं तो आपकी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसकी पोस्ट ग्रेजुएट, सेक्शन ऑफिसर की ग्रेजुएट चाहिए, सीनियर असिस्टेंट की ग्रेजुएट चाहिए, फार्मिस्ट की बी फार्मा डिप्लोमा होना चाहिए, असिस्टेंट की आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर की आपकी 12th पास और स्टेनो होनी चाहिए, जूनियर असिस्टेंट की आपकी 12th पास प्लस में टाइपिंग होनी चाहिए, ड्राइवर की आपकी 12th पास प्लस में 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, JE इलेक्ट्रिकल की आपकी डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की आपकी PG BTech या डिप्लोमा या ग्रेजुएट होनी चाहिए, टेक्नीशियन असिस्टेंट की BTech ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए, लैब असिस्टेंट की आपकी 12th पास विद साइंस होनी चाहिए, लैब अटेंडेंट की आपकी 10th पास होनी चाहिए, ऑफिसर की आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में आपके पास होना चाहिए। दिल्ली VPCI में अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन इसका फॉर्म अप्लाई करने का पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपने जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।